Ram your mentoring, make a difference. Nearby students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you. Okay guys, today we are going to start a representation of real numbers on number line. So let's pick example number 11. In example number 11, we have to represent 5.37 bar on number line. Okay, let me draw it first. So 5.37, 5 or 6 ke beech mein kahin pe lie karega. So apan kya karenge? Is area ko zoom in karenge. Zoom in ko kaise show karenge? Ek line is taraf draw karenge, ek line is taraf se draw karenge. पॉइंट हो जाएगा 5, ये पॉइंट हो जाएगा 6. अब देखिए 5.37, 5.3777 लाइक दिस. तो 5.37 को अपन लिख सकते हैं इस तरह से. अब 5.377 किसके बीच में लाई करेगा? 5.3 एंड 5.4. अब अपन इस एरिया को जूम इन करेंगे. ये पॉइंट हो जाएगा 5.30, ये हो जाएगा 5.40. अब बीच के पॉइंट्स अपन लिख देंगे. ओके, अब 5.3777 या फिर 5.37 बार किन दो पॉइंट्स के बीच में लाइन करेगा? 5.37 और 5.38 इन दो पॉइंट्स के बीच में लाइन करेगा. क्यों? क्योंकि 5.377 जो है 5.37 से तो बड़ा है और 5.38 से छोटा है. तो अब अपन इसको जूम इन करेंगे. ये पॉइंट हो जाएगा अपना 5.370 और ये पॉइंट हो जाएगा अपना 5.380. बाकी पॉइंट्स भी अपन लिख देते हैं. ओके, अगेन अब जो 5.37 बार है किन के बीच में लाई करेगा? इन दोनों के बीच में लाई करेगा. तो अब अपन इसको और एक्सपेंड चाहे तो और एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं एंड वी कैन से दिस इज़ अवर 5.37 बार. मेक सेंस? क्योंकि 5.37 बार 5.377 और 5.378 के बीच में कहीं पे लाई करेगा. सो दिस विल बी अवर रिप्रेजेंटेशन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4. 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को क्या रिप्रेजेंट करना है? 3.765 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. तो लेट्स डू इट. ओके, 3.765 किन कहाँ पे लाई करेगा? 3 और 4 के बीच में लाई करेगा. तो इस एरिया को अपन जूम करेंगे तो हो जाएगा 3.0, ये हो जाएगा 4.0. अब देखिए 3.765 इस नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करेगा? 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं पे लाई करेगा, यानी यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा. तो अब इस एरिया को अपन जूम करेंगे तो ये पॉइंट तो हो जाएगा 3.70 और ये पॉइंट हो जाएगा 3.80. बाकी पॉइंट्स भी लिख देते हैं अपन. ओके, अब इस नंबर लाइन पे 3.765 कहाँ पे लाई करेगा? इन दोनों के बीच में लाई करेगा. तो नाउ वी विल जूम इन टू दिस एरिया. तो ये पॉइंट हो जाएगा 3.760 और ये पॉइंट हो जाएगा 3.770. बाकी पॉइंट अपन लिख देते हैं बीच वाले. ओके ओके, नाउ यू कैन क्लियरली सी 3.765. दिस इज अवर 3.765. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को रिप्रेजेंट करना है 4.26 बार को नंबर लाइन पे. जैसा एग्जांपल किया था सिमिलर क्वेश्चन है उसके जैसा. ओके, तो देखिए 4.26 बार यानी 4.2666 डॉट 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 तो किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा. तो इसको जूम इन करेंगे
ये पॉइंट तो हो जाएगा 4.0, ये हो जाएगा 5.0, बाकी पॉइंट्स मार्क कर देते हैं अपन। ओके अब देखिए 4.26 बार कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब अपन इन दोनों को जूम करेंगे, तो अपन अब इस एरिया को जूम करेंगे, तो ये पॉइंट तो हो जाएगा 4.20 और ये हो जाएगा 4.30, बाकी पॉइंट्स मार्क कर देते हैं अपन। ओके अब इस नंबर लाइन में 4.266 किसके बीच में आएगा, यहाँ पे इन दो के बीच में कहीं लाइक करेगा, ठीक है। तो इस एरिया को जूम इन करेंगे, तो ये पॉइंट तो हो जाएगा 4.260, ये पॉइंट हो जाएगा 4.270, बाकी पॉइंट्स मार्क कर देते हैं अपन। ओके अब देखिए 4.2666 के कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो आप फर्दर जूम इन ना करने की जगह यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ दिस पॉइंट, ये पॉइंट मेरा होगा 4.26 बार, और चाहे तो आप एक और जूम कर सकते हैं, बाकी इतना सफिशेंट है। मेक सेंस? तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।